समय समाप्त हो चुका है, पापों का घड़ा भर चुका है। कृष्णा का भाग्य मुझ से छल कर गया। संध्या में पुनः सूर्यास्त होगा और कृष्णा का भाग्य भी उस छिपते हुए सूरज के साथ अस्त हो जाएगा। तू यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हारी प्रतीक्षा। तुझे इतना साहस कि तू मेरे सामने आके खड़ा हो गया? कि ना तो तेरा वैकुंठ लोक है और ना ही तेरा गोकुल, ये मेरा पाताल लोक है। मेरा राज्य है, यहाँ केवल मेरी चलती है। अब मैं तुझ पे ऐसा वार करूंगा कि तू बच नहीं पाएगा। यह अकस्मात सूर्य ग्रहण कैसा? ये उस कृष्णा की नई चाल तो नहीं, उसका भ्रम तो नहीं मुझे भ्रमित करने के लिए? परंतु मैं उसके हर भ्रम को तोड़ूंगा, उसके किसी भी चाल को सफल नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं। कहिए, पाताल सुरक्षित नहीं है? इस भाले से मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कैसे करोगे तुम? तुम तो स्वयं ही अधूरे हो। तुम्हारे शरीर का आधा हिस्सा तो मेरे पास है, पहले वो तो मुझसे लेकर दिखाओ। आधे शरीर के कारण तुम्हारी शक्ति भी आधी हो गई है। मैं शक्तिहीन और निशस्त्र से युद्ध नहीं करता, और मुझसे परास्त होने के लिए अभी तो तुम्हें
शक्ति चाहिए। यदि मेरा शरीर पूरा होता तो मैं तुझसे किसी हाल में परास्त नहीं हो सकता था। कहाँ छुपा रखा है मेरा आधा शरीर, बता। वहाँ ऊपर पहाड़ी पर रखा है मटकी में। तू बहुत झूठ बोलता है रे, कहीं इस बार भी तू मुझसे छल करने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहा। बाहर सूर्योदय हो चुका होगा, अथवा मैं बाहर नहीं जा सकता। अच्छा ये बात है, तभी तो तुम जंगली जानवरों की तरह दिन में गुफा में छुपे रहते हो। किंतु पाताल सुर, बाहर तो इस समय घोर अंधेरी रात्रि है। हाँ, विश्वास ना हो तो स्वयं देख लो। अवश्य मुझे ही भ्रम हुआ, बाहर अभी रात्रि समाप्त नहीं हुई। जाओ जाओ, इससे पहले कि दिन निकल आए, जाकर अपने शरीर का आधा हिस्सा उस पहाड़ी से ले आओ और फिर हम युद्ध करेंगे। तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे पूर्ण शरीर के साथ होगी, एक भक्त की तरह नहीं। किंतु तुम मेरे पीछे भागे तो अवश्य ही हो ना। जो मेरे पीछे इतना भागा, उसकी मुक्ति का उत्तरदायित्व तो मेरा ही है। कृष्णा, अब तू नहीं बचेगा, साहस है तो मेरे समक्ष। मैं यही तो हूँ पाताल सुर, अपनी भारी गर्दन को तो उठाकर देखो। नहीं, तुम्हें पूरा छल हुआ। पाताल सुर, नहीं, हर कोई बचाओ इसे, किस शक्ति असीम होती जा रही है। महाराज, आज आपका एक और मोहरा कृष्णा के समक्ष असफल रहा। कृष्णा, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। कान्हा, पाताल सुर तो मुक्त हुआ, किंतु गोकुल अब भी जल और गोधन के लिए दुखी है। कुछ करो कान्हा, मुझसे और नहीं देखा जाता। Thank you.
हमारी गाय आ गई। अरे लल्ला, तू मेरा हाथ छुड़ाकर कहाँ कहाँ चला जाता है, कहाँ गया था तू? कान्हा देखो, हरी ने हमारी सुन ली, गोकुल में जल भी आ गया और गाय भी आ गई। ये सब मेरे गांव वासियों की एकता और आस्था का चमत्कार है। बुरे समय में सबने एक होकर ईश्वर की भक्ति की, तभी ये सारी बाधाएं समाप्त हुई हैं। कान्हा, तुमने हम सबको जीने की जो राह दिखाई है, हम बड़े तो विपत्ति में उसे भूल जाते हैं। सच में यशोदा, तुम्हारा कान्हा अभी से ही बड़ा समझदार हो गया है। जरूर मामा श्री के दूत हैं आप भी, कहिए कैसे हैं आप? अभी बताता हूँ मूर्ख बालक।